नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंद कैम्प का यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये हम लाए हैं आपके डाउट्स क्लियर करने। आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो हम उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए ये वीडियो लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लेज़र मार्किंग मशीन खरीदना चाहते हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि यूवी लेज़र मार्किंग मशीन खरीदें या CO2 लेज़र मार्किंग मशीन खरीदें, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लेज़र मार्किंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सी मशीन ज़्यादा सही है, किस मशीन पे आप अपने सारे काम कर सकते हैं और कौन सी मशीन आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं कि इन दोनों मशीनों में क्या फ़र्क है, बल्कि अलग अलग मटेरियल्स पर दोनों मशीनों से मार्क करके दिखाएंगे भी कि क्या आउटपुट में फ़र्क आता है। जो आउटपुट आपको चाहिए वो इन दोनों मशीन में से कौन सी मशीन ज़्यादा बढ़िया दे सकती है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं सबसे बेसिक डिफरेंस के साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपनी मशीन के बारे में, CO2 लेज़र मार्किंग मशीन और UV लेज़र मार्किंग मशीन। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, जो लेज़र आउटपुट आती है हमारे CO2 लेज़र मार्किंग मशीन में, वो एक सील्ड CO2 गैस के एक ट्यूब होती है जिससे लेज़र आउटपुट आता है, जो किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके उसको जला के, बेसिकली किसी भी नॉन मेटल के सरफेस को जला के एक मार्किंग का आउटपुट देती है। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया है आउटपुट में लेयर को उतना जला के हमें आउटपुट देती है। पर यूवी लेज़र मार्किंग मशीन जो है ये उसके सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के साथ रिएक्ट करके हमें आउटपुट देती है। मतलब ये जहाँ पे यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से हम मार्किंग करते हैं ये उस सरफेस को जलाती नहीं है, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ रिएक्ट करके आउटपुट देती है। इसीलिए जो यूवी लेज़र मार्किंग मशीन है इसको हम कोल्ड मार्किंग मशीन भी कहते हैं। अब दोनों ही मशीनों के जो सोर्स हैं जहाँ से लेज़र जनरेट होती है, ये दो टाइप के आते हैं, एक एयर कूल्ड और एक वाटर कूल्ड। दोनों में जो हम प्रेफर करते हैं वो आपको प्रेफर करते हैं एयर कूल्ड, क्योंकि वाटर कूल्ड में एक चिलर का खर्चा हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, उसकी देखरेख, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो उस मैटर से और कॉस्ट सेविंग करने के मैटर से भी एयर कूल्ड सोर्स वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वही ज़्यादा बेस्ट भी होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं मटेरियल का क्या इफ़ेक्ट है, कि हमें जिस मटेरियल पे मार्क करना है वो किस मशीन पे ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट देगी। तो मटेरियल की बात करें तो जो हमारी CO2 लेज़र मार्किंग मशीन है ये बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे मार्किंग करने के लिए यूज़ होती है। ऑर्गेनिक में ज़्यादा नॉन मेटल कह सकते हैं हम, कि नॉन मेटल्स पे मार्किंग करने के लिए CO2 का यूज़ होता है, चाहे वो MDF, अक्रैलिक, PVC, किसी भी तरह का नॉन मेटल हो, चाहे पेपर हो, बॉक्स हो, प्लास्टिक हो, इन सब पे हम CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से मार्किंग कर सकते हैं। और जो हमारी UV लेज़र मार्किंग मशीन है इससे तो हम लगभग सभी मटेरियल्स पे मार्क कर सकते हैं, चाहे वो मेटल हो, किसी भी तरह का नॉन मेटल हो, प्लास्टिक, MDF, जिन मटेरियल पे हम CO2 की मदद से मार्क कर सकते हैं, अक्रैलिक हो, सभी पे ही हम UV लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से मार्क कर सकते हैं। पर अगर हम मेटल पे मार्क कर रहे हैं तो हम CO2 की मदद से उस पर मार्क नहीं कर सकते हैं। साथ ही में जो हमारा सरफेस पे मार्किंग का इफ़ेक्ट आएगा उनमें भी इन दोनों मशीनों में बड़ा फ़र्क है, कि अगर हम किसी नॉन मेटल पे डेप्थ चाहते हैं, थोड़ी इनग्रेविंग चाहते हैं, एचिंग टाइप इफ़ेक्ट चाहते हैं, तो CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से वो इजीली हमें मिल सकता है। पर हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट पे किसी भी मटेरियल पे एचिंग चाहिए और हमें यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से अगर हमें उस पर मार्क करना है तो हमें वो एचिंग नहीं मिल सकती। यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से खाली प्रिंटिंग टाइप इफ़ेक्ट, जिसे हम खाली देख सकते हैं, इसमें हमें डेप्थ नहीं मिल सकती है। और अगर हम बात करते हैं सर्विस और मेंटेनेंस की, तो दोनों ही मशीनों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़ीरो है, क्योंकि इन दोनों ही मशीन को किसी भी तरह की सर्विस या मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन करें कॉस्ट के मैटर में, तो जो हमारी यूवी लेज़र मार्किंग मशीन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली है अगर हम CO2 लेज़र मार्किंग मशीन से इसका कंपेयर करते हैं। तो ये तो हो गए कुछ बेसिक अंतर हमारी मशीन के बारे में, दोनों मशीनों के बीच जो भी बेसिक अंतर है। अब हम देख लेते हैं और जान लेते हैं कि अलग अलग मटेरियल पे इन दोनों मशीनों से हमें कैसा आउटपुट देखने को मिलता है। अभी हम
कुछ अलग अलग मटेरियल्स पे दोनों ही मशीनों की मदद से आपको मार्क करके दिखाएंगे, मतलब इन दोनों मशीनों की मदद से जो हमने मार्किंग करा है मटेरियल पे, तो हमें क्या क्या अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी आपने अलग अलग मटेरियल्स पे दोनों ही मशीनों की मदद से मार्किंग होते हुए देखी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा आउटपुट आया है उसमें क्या क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल से, मतलब मेटल में भी जो हमने स्टील लिया था, हम स्टील से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे स्टील पे जो हमने यूवी से मार्किंग करी थी वो एक गोल्डन कलर का इफेक्ट आ रहा है। ये बढ़िया इफेक्ट आ रहा है बहुत ही, बट जब हमने इसी मटेरियल पे CO2 से करा था तो हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इस पर किसी भी तरह का कोई भी निशान नहीं आया। तो हम कह सकते हैं मेटल के लिए CO2 बिल्कुल ही काम की नहीं है, बट UV से हम मेटल पे काम कर सकते हैं। और मेटल में जो हमने एक कोटेड माइल्ड स्टील के पीस पे मार्किंग करी थी, तो उसमें अगर हम रिजल्ट देखें तो जो हमने यूवी लेजर मार्किंग मशीन की मदद से मार्किंग की थी, इसमें पूरी तरह से जो इसका ब्लैक कोटिंग है वो उतर चुका है। इसमें हमें अंदर से जो इसका कलर होता है माइल्ड स्टील का, वो कलर नज़र आ रहा है। पर अगर हम CO2 की बात करें तो इसने कोटिंग के साथ रिएक्ट करके स्टील के साथ साथ, माइल्ड स्टील के साथ साथ कोटिंग का भी थोड़ा कलर इसमें दिख रहा है। मतलब कह सकते हैं कि CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से हम मेटल पे मार्क तो नहीं कर सकते, पर अगर मेटल पे कोई कोटिंग हो रखी है तो उस कोटिंग को जलाने के लिए हम CO2 लेज़र मार्किंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। तो मेटल के बाद हम देख लेते हैं अक्रैलिक पे हमारा क्या रिजल्ट आया है। तो अक्रैलिक हमने दो तरह के अक्रैलिक पे मार्किंग की थी, एक रेड कलर का कोटेड अक्रैलिक था, दूसरा था हमारा ट्रांसपेरेंट अक्रैलिक। सबसे पहले हम अपना ये रेड कोटेड अक्रैलिक पे देख लेते हैं। ये जो हमने यूवी लेजर मार्किंग मशीन की मदद से मार्किंग की थी, इस पे बिल्कुल वाइट इफेक्ट आ रहा है। मतलब रेड अक्रैलिक पे बिल्कुल ये हमें वाइट देखने को मिल रहा है और ये बड़ा ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। पर अगर हम बात कर लेते हैं CO2 लेजर मार्किंग मशीन की, तो इस पे वाइट के साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन हमें उभरा हुआ दिख रहा है। बेसिकली इसने जो मटेरियल को जलाया है तो ये थोड़ा पिंकिश, मतलब जैसे कह सकते हैं रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। पर अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट अक्रैलिक की, तो जो हमें देखने को मिलता है, ये जो हमने यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से इस पे मार्किंग की थी, तो ये इफेक्ट हमें उतना बढ़िया देखने को नहीं मिलता। इसमें थोड़ा कालापन नज़र आ रहा है और जो मार्किंग है वो हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रही है। पर वही अगर हम CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की बात करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया सफ़ेद कलर का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं अक्रैलिक, अगर कलर्ड अक्रैलिक हो तो बेटर रिजल्ट हमारा यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से आता है। बट अगर वो ट्रांसपेरेंट अक्रैलिक है या ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो हम CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से उस पर अच्छा आउटपुट दे सकते हैं।
पर CO2 लेजर मार्किंग मशीन की मदद से हम हर तरह के एक्रेलिक पे, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो चाहे कलर हो, मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो हमने अपनी डायरी पे मार्क करा था, तो ये रेड कलर का इसका कवर है, ये थोड़ा हार्ड पेपर है, तो इस पे देख सकते हैं ये जो यूवी लेजर मार्किंग मशीन की मदद से हमने इस पे मार्किंग की, ये थोड़ा गोल्डन और वाइट कलर का इफेक्ट आ रहा है, जो कि हमें सिर्फ देखने में पता चल रहा है, बट अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मुझे इस पे कोई भी अलग से मार्क फील नहीं हो रहा है। बट वही अगर मैं CO2 लेजर मार्किंग की बात करता हूँ तो ये थोड़ा कालापन नज़र आ रहा है, और इसको टच करने पे भी मुझे हल्का सा फील हो रहा है, मतलब इसमें हल्की सी डेप्थ है, यानी हम कह सकते हैं इसने थोड़ा सा ऊपरी परत इसको जला दिया है, जो कि हमें फील हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गत्ते की, तो गत्ते पे देख सकते हैं जो हमने यूवी लेजर मार्किंग मशीन की मदद से मार्क किया था, ये वाइट कलर का इफेक्ट आ रहा है, और ये बढ़िया इफेक्ट है, पर साथ ही में अगर जो CO2 से इफेक्ट हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसने थोड़ा सा इसको जला दिया है, इसमें भी हमें कालापन नज़र आ रहा है और डेप्थ इसमें देखने को थोड़ी बहुत मिल रही है। अब इसके बाद हम एक A4 साइज़ के वाइट पेपर की बात करते हैं, तो जो यूवी लेज़र मार्किंग मशीन से जो मार्क आया है इसमें, ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है, बट दूर से हम इसे नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपर, बट पास से बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अगर ये कलर्ड शीट होती है, कलर्ड पेपर होता, तो ये रिजल्ट ज़रूर हमें बहुत अच्छा दिखता, पर वही हम देख सकते हैं जो हमने CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से इस पर किया था, ये देख सकते हैं जल गया है, बेसिकली हम कह सकते हैं पेपर पे एक डिज़ाइन कट गया है, तो ये अंतर हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों ही मशीनों के काम में। इसके बाद अगर हम बात करें एक बॉक्स की, जो कि एक वुड का बॉक्स है, तो देख सकते हैं यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से इस पर मार्क तो हुआ है, काफ़ी हल्का मार्क हुआ है, पर जो मार्क है ये सिर्फ हमें देख के पता चल रहा है, टच करने पे कुछ फील नहीं हो रहा। बट वही अगर हम CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की बात करें, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट भी दिख रहा है, और इस पर कह सकते हैं एक टाइप से इंग्रेविंग हो गई है, कि इसमें वैसे तो पावर कम ज़्यादा करके हम इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं कि ये डेप्थ कम हो या ज़्यादा हो, बट देख सकते हैं कम पावर पे ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और इसमें थोड़ी सी इंग्रेविंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से अगर आप कोई वुड के या MDF के बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूर CO2 लेज़र मार्किंग मशीन ज़्यादा बेटर है। बात कर लेते हैं प्लास्टिक की, तो ये तीन चार तरह के प्लास्टिक हैं, जिसमें एक जो सबसे हम पहले हम बात कर लेते हैं, ये एक मॉनिटर का स्टैंड है, जो कि ABS प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो इसमें देख सकते हैं जो UV लेज़र मार्किंग मशीन से हमने इस पर मार्क करा था, ये वाइट कलर का इफेक्ट दिख रहा है, बट CO2 से ये हमें थोड़ा काला ही दिख रहा है, इसने ऊपर का लेयर थोड़ा सा जला दिया है, जिससे कलर में कोई चेंजेस नहीं है, बट इसकी मार्किंग हमें दिख सकती है इस पर क्या लिखा हुआ है, और इसको हम हाथ से फील भी कर सकते हैं। और उसी जगह पर अगर मैं बात करूँ MCB की, जो हमने MCB पे मार्किंग करी थी, तो ये देख सकते हैं ये जो यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से मार्किंग हुई है, ये कह सकते हैं हल्का ग्रे या ब्लैक कलर में हमें नाम लिखा हुआ, जैसे प्रिंटेड नाम होता है वैसा दिख रहा है। बट अगर हम बात करें जो हमने CO2 से मार्क करा था, तो इसमें कह सकते हैं माइक्रॉन्स में इसमें हल्का सा हमें डेप्थ देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके जो इसका लेयर है वो जला दिया है, और ये फील कर, ये टच करने पे भी फील हो रहा है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कुछ हमने पंच कर दिया हो। तो अगर आप इस पर प्रिंटिंग इफेक्ट चाहते हो, तो आप यूवी लेज़र मार्किंग मशीन पे जा सकते हैं, बट अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मुझे पंचिंग जैसा दिखे, तो आप CO2 लेज़र मार्किंग मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस स्ट्रिप की, जो कि बेसिकली हमें देखने को मिलता है जो वायर के कवर्स होते हैं उसका ये स्ट्रिप है। तो देख सकते हैं इससे जो हमने यूवी लेज़र मार्किंग मशीन की मदद से मार्किंग की थी, ये वाइट कलर का इफेक्ट आ रहा है, और ये बढ़िया इफेक्ट है, जो कि हमें दूर से भी देखने को, दूर से भी देखा जा सकता है। पर वही अगर हम बात करें CO2 लेज़र मार्किंग मशीन की, ये भी इफेक्ट बहुत बढ़िया है, इसमें ब्राउनिश इफेक्ट है, या कह सकते हैं इसमें हल्का सा कालापन भी है, इफेक्ट ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अगर इस फाइबर पे आप मार्किंग करना चाहते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही मशीन इस पर बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देती है। तो ये थे कुछ मटेरियल जिन पे हमने पहले आपको मार्क करके दिखाया, बाद में दिखाया कि दोनों से क्या क्या अलग अलग इफेक्ट आते हैं। तो आप ये वीडियो देख के आप तय कर सकते हैं कि आपको जिस मटेरियल पे मार्क करना है, या फिर अलग अलग जितने भी मटेरियल्स पे मार्क करना है, उसके लिए आपको दोनों में से कौन सी मशीन ज़्यादा बेटर है, आपको इन दोनों में से कौन सी मशीन लेनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप इन दोनों ही मशीन के बारे में अलग अलग पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।